हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ आलू की बहुत ही टेस्टी और चटपटी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। तो जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन करे, आप इस आलू को झटपट बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सबसक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। सबसे पहले हम कढ़ाई में पानी बॉयल करने के लिए रख देंगे। जब तक पानी बॉयल होता है, हम देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने 2 से 3 आलू को चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। ये देखिए, हमने छोटे छोटे डाइस में आलू को काट लिया है। इसे 2 से 3 बार हमने धो लिया है। पानी बॉयल होते ही हम इसमें अपने कटे हुए आलू को इसमें डाल देंगे। हम सारे आलू को इसमें डाल देंगे और इसमें 1 टीस्पून हम इस नमक डाल देंगे। इसके साथ ही हम 1-2 बार आलूओं को चलाएंगे और इसे ढककर गलने के लिए छोड़ देंगे। हमें आलूओं को 80% तक ही कुक करना है। चलिए अब खोलकर चेक करते हैं। आलू अच्छे से गल चुका है। अब हम इसे किसी बॉल में निकाल लेते हैं। याद रहे, हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, बस हमें इसे 80% तक ही कुक करना है। अब हम इसे बॉल में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे आलूओं को बॉल में निकाल लिया है। अब हम इसमें 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और 2 टीस्पून हम इसमें मैदा डालेंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से आलूओं में मिक्स करेंगे। हम इसमें 1 टीस्पून पानी डालेंगे ताकि ये मिक्सचर आलूओं में अच्छे से कोट हो जाए। चलिए, हमने कॉर्नफ्लोर से अच्छे से आलूओं को कोट कर दिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है, हम इन आलूओं को इसमें डाल देंगे। हम एक बार सारे आलूओं को नहीं डालेंगे। हमें आलूओं को इसी तरह ब्राउन कलर तक फ्राई करना है। ये देखिए, हमने आलूओं को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसको हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। बस हमें इसी तरह से इसे फ्राई करके निकाल लेना है। चलिए, अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। इसके लिए हमने 2 टेबल स्पून तेल कढ़ाई में डाल दिया है। हमने 1 टीस्पून यहाँ पर लहसुन को बारीक बारीक चॉप्ड कर लिया है। तेल गर्म होते ही हम उसमें डाल देंगे। 1-2 मिनट तक सॉटे करेंगे। उसके बाद हमने 1 टीस्पून हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप्ड कर लिया, उसको भी इसमें डाल दिया है। 1-2 मिनट तक सॉटे करने के बाद हमने 1 प्याज को महीन महीन चॉप्ड कर लिया, उसको भी हम इसमें डाल देंगे और इसे ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले को ऐड करेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। याद रहे, हमने आलू को बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम भूनेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें 1 कप फेंटी हुई दही को डालेंगे।
दही डालते वक्त हम फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। तीन से चार मिनट तक हम इसको इसी तरह से भूनेंगे। उसके बाद हमने तले हुए आलूओं को इसमें डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से टॉस करेंगे। हमें इतना ग्रेवी रखना है कि आलूओं में ये ग्रेवी अच्छे से लिपट जाए। ये देखिए ये आलू कितना टेस्टी लग रहा है। अब हम इसे हरे धनिए से गार्निश करेंगे। चलिए अब हम इसे किसी प्लेट पे सर्व करते हैं। ये देखिए ये आलू कितना टेस्टी और कितना डिलीशियस लग रहा है। आप इसको मेरे तरीके से एक बार बनाकर देखिए, आप इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। हमने इसमें ऊपर से नींबू का रस डाला है ताकि ये और भी चटपटा और टेस्टी बन जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।